बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो है मैंने व्लॉग रात को स्टार्ट कर दी थी। आज हमारे यहाँ बनने जाना था खाने में चिकन चंगेज़ी, तो यहाँ पे जो है मैरिनेट करके और मैं इसको जो है फ्राई कर रही थी। तो मैरिनेशन करने के लिए ना मैंने इसके अंदर डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक और बहुत सारा दही। तो चिकन चंगेज़ी का यहाँ पे जो है हम लोगों ने मैरिनेट करके फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे रख दी थी, और एक तरफ जो है इसका जो है मसाला वगैरह मैं भून रही थी, और क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम भी करना था। और ये जो वीडियो ये नेक्स्ट डे की है, मुझे जाना था ज़ारा के लिए कुकर लेने के लिए, क्योंकि कुकर तो ऑलरेडी मेरे पास दो पहले ही घर में पड़े थे, बड़े बड़े कुकर, लेकिन मुझे जो है ना छोटे कुकर की जो है ज़रूरत थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि छोटा कुकर लेके आऊं, क्योंकि ना दाल वगैरह जब बनती है ना तो जैसे कि छोटे बच्चों के लिए बनाना रहता है, एक बच्चे के लिए, जैसे कि ज़ारा दाल खाती है तो उसके लिए मुझे छोटे कुकर की ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आज बहुत दिनों से सोचते सोचते आज मैं सोची कि आज ले ही चलती हूँ। तो यहाँ भैया ने दिखा रहे थे मुझे छोटा कुकर निकाल, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत रेट वगैरह कम करा के ये वाला कुकर ली हूँ। देखिए तो ये ज़ारा के लिए एक बच्चा आराम से, एक बच्चे के लिए बन जाएगा, इसके अंदर दाल चाहे दलिया बन जाए, कुछ भी बन जाए, जैसे कि बच्चों खाते हैं, बच्चों लोग के लिए मुझे ज़रूरत थी। वैसे तो बड़ा कुकर दो है ही है घर में, तो गर्मी इतनी लग रही थी आज निकली, अब धूप छाँव मौसम बना ही था, बारिश का मौसम हो रहा था, कभी धूप छाँव हो रहा था, तो बस ये कुकर जो है मुझे पसंद आया, मैं ले कर जो है घर को निकलूँगी। इन भैया से पूछ रही थी मैं कि पुराने बर्तन भी आप लेते हैं क्या, तो बोले कि हाँ हम पुराने बर्तन लेके, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, हम पैसे काट के आपको बर्तन जो आपके बर्तन का पैसा बनेगा वो हम आपको उतने में हम आपको जो है दे देंगे, कुकर दे देंगे। तो मार्केट से जो है कुकर लेके मैं घर आ चुकी हूँ, और आते ही मैंने कपड़े चेंज की, क्योंकि जो है बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, बारिश कभी बंद हो जाती है, कभी मेरे कपड़े भीग चुके थे, मैंने फिर से कपड़े जो है चेंज कर लियो, और मैं जो है ना चादर डालने गई थी मार्केट, तो धूप था बहुत ज़्यादा, तो मैं चादर वगैरह डाल के गई थी। अब मैं इसको उतारती हूँ, अभी थोड़ा सा मौसम फिर बन रहा है बारिश का, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ चादर मैं कहाँ डाली हूँ, क्योंकि छत पर जाना तो बहुत पॉसिबल है, छत बहुत ज़्यादा ऊपर है मेरी, मेरी हिम्मत नहीं होती। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैं आप होम टूर दिखाओ, तो इंशाल्लाह वो किसी दिन मैं ज़रूर होम टूर दिखाऊंगी। पहले चलती हूँ अंदर, मैं आप लोग को यहाँ पे चादर दिखा देती हूँ पहले बाहर, और फिर चलती हूँ अंदर रूम में, नया एसी आया है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलती हूँ अंदर और आप लोग को दिखा देती हूँ नया एसी। यहाँ देखिए मार्केट से आते ही देखिए बच्चों ने कितना पसारा जो है फैला रखे हैं, यहाँ पर गद्दे पर पानी भी गिरा दिए हैं सब लोग। और चलो अंदर आप लोग को मैं अपना एसी दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा नया एसी, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी, तो यही है मेरा नया एसी आ गया है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और ये जो है पैनल जो है, सॉरी मैं भूल जा रही थी, ये पीवीसी पैनल जो मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में दिखाई थी, तो ये देखिए पूरा कम्प्लीट हो चुका है। और ये नीचे जो है ना मेरे हस्बैंड ने वाइट लगाने के लिए मना कर दिए थे, तो वो अपनी चॉइस से जो है उन्होंने फिर से यही पैनल यहाँ पर लगाए हैं। और ऊपर देखिए वहाँ पे भी लग रहा है अभी, और इस साइड अभी नहीं हुआ है, इस साइड अभी होगा, वो तीन चार दिन बाद, एक हफ्ते बाद होगा। तो ये रहा शीशा, जैसे कि ये शीशा है मेरा, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी सब जगह जो है पैनल लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे नीचे सब जगह लग चुका है। तो धीरे धीरे जो ना घर का काम सारा हो रहा है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। अभी यहाँ पे भी सब दीवारों पे जो है सफ़ेदी करनी है, पूरे घर में मेरे देख रहे हैं अंधेरा हो रहा होगा, क्योंकि मैंने लाइट इस टाइम जो है बंद की थी, दोपहर का टाइम था ना, तो देखिए मैंने लाइट और सब जला दी हूँ। ये सब दीवारों पे जो है पेंट होगा देखिए सारा, और घर में भी अभी आजकल ना मुझे सफाई भी करना है, पूरा घर जो है फैला हुआ है मेरा। और अब देखिए मैं अब आ चुका है इसका नंबर, टीवी का नंबर आ चुका है, ये टीवी जो है ख़राब हो गई है, बोल रही हूँ ना कुछ ना कुछ ख़राब होते ही रह रहा है, अभी नई टीवी आएगी, पता नहीं क्या घर में समझ नहीं आता किसकी नज़र लग गई है कि कुछ ना कुछ ख़राब होते ही रह रहा है। और चलो और कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब चीज़ें। अच्छा आते हैं फ्रिज के पास, हम फ्रिज में मैं सोची देखूँ ज़रा सब्ज़ी वगैरह क्या आई है, शाम के लिए कुछ लाना है तो मैं कुछ ले आती हूँ। तो वैसे तो सब चीज़ है शाम के लिए, ये टमाटर है खरीद लिए थे आज गली में से ही हम लोगों ने, और ये अदरक, आजकल सब्जी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा इतनी महंगाई क्यों छाई है। और ये भी टमाटर जो है हम लोग सुबह ही ले लिए थे गली में से, और ये हरी मिर्ची है,
अब इन सब को जो है ना निकाल के मुझे फ्रिज की भी जो है ना सफाई करनी है पूरी। ये देख लीजिए आप लोग, अभी फ्रिज की जो है ना पूरी सफाई करूँगी। ये नारियल मैंने रख ली थी क्योंकि कभी भी ना डोसा मैं मार्केट गई थी ना, जिसे हमारे इंद्रलोक में बाज़ार में लगता है मार्केट, तो ये मैं नारियल ले लेती हूँ बराबर। बहु लोग जो है चटनी वगैरह बनाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लौकी वगैरह है, तो आज सोची थी शाम को क्या बनाऊँ, और सारा सामान जो अभी मेरे को सेट भी करना है सब थैली में से निकाल के। ये गोभी देखिए, आजकल गोभी में जो है तो पता नहीं क्यों ना ठंडी के गोभी जो है ज़्यादा अच्छे होते हैं, गर्मी के गोभी देखिए और मतलब कि महंगे भी हैं, बहुत महंगी गोभी है ये, 50 रुपये की है कम से कम आधा किलो। ये है रही भिंडी, तो भिंडी वगैरह जो है ना हम लोग सब लोग नाश्ते में बनाते हैं सुबेरे, शाम को ज़्यादातर बच्चे लोग के लिए मैं चिकन बना देती हूँ, बच्चे लोग काम पे रहते हैं ना रात को आते हैं। तो ये बैगन वगैरह ये सब जो है मैं निकाल के अभी इसको सेट कर दूँगी, फ्रिज की सफाई भी कर दूँगी, और लेकिन ये सब जो है ना सफाई आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और गाइज मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए आप लोग, जितने भी लोग करते हैं ना दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है कमेंट करती हैं तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो है ना नवंबर में हो सकता है गांव जाऊं, सादिया जो है मतलब कि सादिया हक नमाज के बहन की, हक नमाज की बहन की जो है शादी है, मतलब सादिया की ननंद की, तो उसमें भी मैं जाऊँगी। आप लोग मेरी वीडियोस को जो है मिस मत करिएगा क्योंकि शादी है, तो बहुत ही अच्छा अच्छे अच्छे जो है व्लॉग्स आप लोग को देखने को मिलेंगे नवंबर में स्टार्टिंग में। और सादिया भी फाइट फॉर यू चैनल से, आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे भी वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। फाइट फॉर यू ऑफिशियल उनके चैनल का नाम है, ठीक है। तो और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पे देखिए मैं मूली लेके आई थी, जैसे कि अभी ठंडी के मूली तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत पतली पतली मूली थी, इस पर ना पत्तियाँ थी बहुत सारी, तो मैंने इनको तोड़ के जो है फेंक दी हूँ। तो ये सब सेट करना है अभी, क्या है ना ज़ारा की तबीयत एक हफ्ते से ख़राब है ना, तो हम लोग घर में एकदम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि फरीन भी जो एकदम बिज़ी रह रही है बच्चों में, ज़ारा जो है अभी ठीक नहीं हुई है, तो बस इसी में इसी वजह से जो है ना अभी सब लोग खाना वाना भी खा के सब लोग अपने अपने रूम में गए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ज़ारा के लिए दुआ कीजिएगा आप लोग, और मेरी चैनल को आप लोग देखते रहिएगा। मुझे ये सब जो है साफ़ सफाई सब सब सारे में कराना है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी आजकल चल रही हूँ, बच्चों से परेशान हूँ, बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा अल्लाह धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को जो है मिस मत करिए। तो गाँव जाऊँगी तो सादिया हक नवाज हम लोग सब लोग शादी के जो है ना वीडियोस डालेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। नवंबर में शादी है, 1 तारीख को बहन भाई दोनों लोग की साथ में है, तो आप लोग ज़रूर 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 मेरे वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।